Hello student, today we start our social science geography chapter 1, India size and location. In the previous video of this chapter you will learn about location and size of India. We'll continue chapter. Today we learn about India's neighbors. Neighbors बच्चों आप जानते हैं ना, पड़ोसी जो हमारे आसपास रहते हो, neighbors. तो हमको यहाँ पर इंडिया का मैप दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, है ना? और उस मैप के अंदर आप देखिए कि इंडिया के बहुत सारे नेबर कंट्रीज हमको देख रही हैं. जैसे आप देख रहे हैं पाकिस्तान है, चाइना है ना, अफगानिस्तान, नेपाल, ठीक है. दीज आर यू आर लुकिंग, इट इज़ व्हाट आर नेबर कंट्रीज. इवन एट द साउथवर्ड यू आर लुकिंग, दैट इज़ द व्हाट ऑफ श्रीलंका, है ना. तो ये क्या है, नेबर्स हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया जो है ऑक्यूपाई एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजिशन इन साउथ एशिया. इंडिया हैज़ 28 states and 9 union territories. India share its boundaries along with Pakistan, Afghanistan in the northwest, China, Nepal and Bhutan in the north, and Myanmar and Bangladesh in the east. Our southern neighbor across the sea consists of two islands. That's what island countries, that is Sri Lanka and Maldives. क्या कहेंगे मैंने, Sri Lanka and Maldives, ठीक है ना. अभी आपने जो इंडिया का मैप देखा था और उसमें अगेन हम उसको देख रहे हैं कि इंडिया और श्रीलंका, इट इज़ अ पार्ट जिनसे दोनों कंट्रीज सेपरेट हो रही हैं. इट्स वॉट सेट टू बी, इसको अपन बोलते हैं पाल्क स्ट्रेट. What it is said to be the Palk Strait. तो कभी कभी हमें ये questions भी पूछ लेते हैं, narrow channel which separate India with the Sri Lanka. Okay, now the Sri Lanka is separated from India by a narrow channel, Palk Strait. India is land strong, had a strong geographical and historical link with her neighbor. है ना, और इंडिया अपन जानते हैं बहुत ओल्डेस्ट कंट्री है, और अपने जो सराउंडिंग जो नेबर कंट्रीज थी उनके साथ आइदर बाय सी रूट्स, है ना, जो ट्रेड एंड कॉमर्स जो था वो होता था. अब बच्चों सिंपल सा ये चैप्टर था जो अभी आपने देखा, ठीक है ना. अब आप एक से कुछ क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, मैं एक बार रीड कर रहा हूँ, आप उनके आंसर्स अपनी कॉपी में अच्छे से लिखेंगे, है ना, और कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी. अरेबियन में कौन सा ग्रुप ऑफ आइलैंड आता है, तो हमने पढ़ा था इट इज़ व्हाट ऑफ लक्षद्वीप. अगर इसके जगह आपसे पूछा जाता बे ऑफ बंगाल, तो आप क्या लिखते, अंडमान एंड निकोबार. नंबर 2, नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया. अभी हमने ग्राफ पिक्चर पढ़ा था और देखा था चैप्टर कंटेंट में कि इंडिया से जो बड़ी कंट्रीज हैं उनके नाम क्या हैं, तो हमने पढ़े थे रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया, है ना. दिस सिक्स कंट्रीज एंड देन सेवन्थ नंबर इज इंडिया. विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू इट्स साउथ ईस्ट. तो साउथ ईस्ट इट इज़ वॉट ऑफ मालदीव, है ना, आपने पढ़े थे लक्षद्वीप, मालदीव, है ना, श्रीलंका, दैट. और अब आपको एक मैथ स्किल का क्वेश्चन दिया जा रहा है, इन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया फिल ऑल द स्टेट्स विद देयर कैपिटल्स. तो हमने मैप को भी देखा था और हमारी बुक में भी एक मैप दिया हुआ है, उसमें सारे इंडिया के स्टेट्स के नाम और उनकी कैपिटल्स हमको फिल करनी है. आई होप यू लर्न चैप्टर वेरी नाइसली. थैंक्स.